जहां देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। बता दें कि राजधानी में डेंगू के 20 नए मरीज पाए गए हैं और करीब 7081 जगह लार्वा मिला है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। वहीं CMO डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि अस्पतालों में डेंगू और इससे मिलते जुलते लक्षण के काफ़ी मरीज आ रहे हैं और ज़्यादातर वायरस इन्फेक्शन से ग्रसित मरीजों का डेंगू टेस्ट कराए जाने पर वे नेगेटिव पाए जा रहे हैं, जबकि डेंगू के मरीजों के लिए अस्पताल में बेड और दवाइयों के पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि डेली रिपोर्ट के अनुसार देहरादून के मुख्य इलाके जैसे कि ISBT, अजबपुर, धर्मपुर, रीठा मंडी और पटेल नगर से डेंगू के ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी जो डेली रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से ISBT से लेके करीब रिस्मना पुल तक, बीच में धर्मपुर का इलाका हो, अजबपुर का हो, रीठा मंडी का इलाका हो, इन जगहों पे हमको ज़्यादा मरीज, इसमें पटेल नगर है, इन मरीज ज़्यादा संख्या में मिल रहे हैं, तो वहाँ हमारे द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है जिससे कि हम इसको बढ़ने से रोक सकें।